देश भर में भले ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पाबंदियों में छूट दे दी गई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ जगहों पर कोरोना के केस ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद में स्कूली छात्र और शिक्षक के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई। इस खबर ने शासन से लेकर प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। वहीं इस खबर के बाद से दिल्ली वासियों में भी चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में एहतियात के तौर पर कोरोना के मद्देनजर विशेष सावधानियां बरती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 2.5% पॉजिटिव दर बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल प्रशासन और सतर्क हो गया है। इसी को लेकर जब हम दिल्ली के स्कूल में पहुंचे तो काफ़ी हद तक ऐसा नज़ारा देखने को भी मिला। हम तो शुरू से ही कोरोना था तब भी, उसके बाद भी लगातार जैसे बच्चे हमारे स्कूल में एंट्री करता है सैनिटाइज करते हैं, हमारा गार्ड होता है, और उसके बाद क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग है या प्रेयर में सोशल डिस्टेंसिंग है, या जैसे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको समझाया जाता है, रोज़ाना प्रेयर में बोला जाता है कि आप हैंड वॉश करेंगे, एक दूसरे की चीज़ शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल सट कर खड़े नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे, और हाथ जो है नाक पे मुँह पर नहीं लगाएंगे बगैर धोए। इस तरह गाइडलाइंस हम डेली प्रेयर में भी देते हैं, और ये पूरा प्रयास रहता है कि हम टेम्परेचर भी देखते हैं बच्चों का सुबह। दिल्ली के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर सभी विशेष सावधानियां बरती जा रही है। स्कूल में मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक भी हर नियमों को खास ख्याल रख रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के नए मामले आने के बाद वह और भी सतर्क हो गए हैं। इस मामले पर बात करते हुए स्कूल प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार है ताकि समय रहते इस आपदा पर नियंत्रण रखा जा सके। कि कोरोना जैसे कि बहुत ही घातक रहा है तो हमने अपने बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर रखी है। बहुत ही ध्यान, बहुत ही कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस घातक बीमारी से बचे रहे। इसके लिए हम जैसे ही बच्चे की एंट्री होती है अंदर हमारे स्कूल में, विद्यालय प्रांगण में जैसे ही बच्चा अंदर आता है तो पहले उसका टेम्परेचर मापा जाता है, उसके बाद सैनिटाइज़र मशीन पर बच्चा हैंड वॉश करता है, फिर बच्चा आगे जब क्लासरूम में पहुंचता है तो क्लासरूम को रोज़ सैनिटाइज़ किया जाता है। और बच्चों को ये डायरेक्शंस हैं, बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को ये डायरेक्शंस है कि आप बच्चे को 2 मास्क लेकर भेजें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कई बार ये होता है कि 1 मास्क गिरा दिया या कहीं गिर गया या टूट गया या कुछ भी हो जाता है, तो 2 मास्क बच्चे लेकर भेजें। एक बच्चे छोटा हैंड सैनिटाइज़र लेकर आए जिससे कि बच्चा हर पीरियड में 2 बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करे, खाने से पहले सैनिटाइज़ करे, खाने के बाद सैनिटाइज़ करे। और कोशिश ये की गई है कि बच्चे अपनी कक्षा में भी एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठे, थोड़ा संपर्क में ना आए। और एक अलग से डायरेक्शन बच्चों को ये दी गई है कि जो बच्चे खाना घर से ला रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है कि ये इसका कारण हो सकता है, कोरोना बढ़ने का कारण हो सकता है खाने का शेयर होना। तो ये हम बच्चों की कोशिश हमारी पूरी है कि हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा कर रखें। प्रोटोकॉल को लेके सारी चीज़ें फॉलो करी जाती है, बार बार बच्चों को हैंड वॉश के लिए भेजा जाता है, लंच से पहले बच्चे सैनिटाइज करते हैं और पूरा दिन मास्क वेयर करते हैं क्लास में। प्रॉपर हम कोरोना को देखते हुए सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, और एक डेस्क पे एक बच्चे को बिठाया जाता है, नेक्स्ट डेस्क खाली छोड़ा जाता है। बहरहाल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल में कोरोना के नए मामले आने के बाद दिल्ली वासियों में भी कुछ हद तक चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्कूलों में भी पहले से ही जरूरी सावधानियां बरती जा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर कोई खास तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन स्कूल में जरूर छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए स्कूल प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में कोरोना के प्रति प्रशासनिक स्तर पर समय रहते तैयारियाँ की जाएँ। लिहाजा हमारी भी सबसे अपील है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।